नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6386.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल राष्ट्रीय और अपने आदर्श जीवन प्रति कर्तव्य की प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 1 दिसंबर 1965 को एक विशेष बल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन किया गया। उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने, पंजाब पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने और सीमा बाड़ के निर्माण में भी इनकी भूमिका रहती है। गृह मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र पुलिस बल के रूप में बीएसएफ की भूमिका सीमाओं से दूर क्षेत्रों में घरेलू सुरक्षा और कानून व्यवस्था के रखरखाव की भी होती है। कहीं भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उनकी सेवा ली जाती है। 1 दिसंबर को बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसएफ के जाबाज जवानों को सलाम किया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमाओं के सजग प्रहरी बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मिकों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सम विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा हेतु आपका समर्पण प्रेरणादायक है। आप सभी की कर्तव्य निष्ठा को सादर नमन। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। यह देश का पहला राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक 11 करोड़ 22 लाख लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं और प्रदेश में कुल 16 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़ 74 लाख लोगों को टीके लगाए जाने हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के अब तक 76% लोग पहली डोज और 34% लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। फिलहाल क्लस्टर मॉडल के दूसरे चरण में अब गांव-गांव टीमें भेजकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इतनी मात्रा में वैक्सीन लगाने की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। कोरोना की पराजय सुनिश्चित करती यह उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम का प्रतिफल है। आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का। प्रदेश में अब हर स्तर पर कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू की जाए। सीएम कोविड नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केजीएमयू और एसजीपीजे के अलावा बीआरडी गोरखपुर, एलएलआर मेडिकल कॉलेज मेरठ और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था सुचारू की जाए। इससे हर इलाके के सैंपल भेजने में आसानी रहे। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों और प्रदेशों से यूपी पहुंचने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच की जाए और इसके लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग प्रदेश में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन कार्य तेजी से कराए जाएं। निगरानी समितियों को सक्रिय करें जिससे संक्रमितों की समय से पहचान और समय पर इलाज हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नए वेरिएंट के मद्देनजर टीकाकरण की गति बढ़ाने की जरूरत है। घर घर जाकर सर्वेक्षण किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के दिसंबर के दूसरे सप्ताह से युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना है। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक पोर्टल बनाया गया है जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए विषय वस्तु दी जाएगी और इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल पर सूचना दी जाएगी। बयान के मुताबिक पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निशुल्क है। सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए उसे जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है। इनमें टैबलेट के लिए विस्टल यानी कि आयरिस, सैमसंग विजन और एसर सेलकॉन, स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग सेलकॉन और सैमसंग यूनाइटेड ने टेंडर दाखिल किया है। तकनीकी जांच के बाद योग्य फार्मों के वित्तीय निविदा खोली जाएगी। बयान के मुताबिक टेंडर में चयनित कंपनियों की पहली खेप में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी। हालांकि स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों को पहली खेप में कम से कम 5 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी। इस वर्ष 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार नवंबर के अंत तक युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर देगी। राष्ट्र की शांति, समृद्धि एवं विकास के संकल्प के साथ महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुए श्री विष्णु सर्वद्भुत शांति महायज्ञ की पूर्ण आहुति 1 दिसंबर को यानी आज श्री अयोध्या धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुई। महायज्ञ का समापन कार्यक्रम
महर्षि आश्रम परिक्रमा मार्ग श्री अयोध्या धाम में आज सुबह आयोजित हुआ महायज्ञ की पूर्ण आहुति के अवसर पर 101 पुरोहितों ने मंत्र उच्चारण और विधि विधान से पूजन करवाया। यह महायज्ञ नोएडा के सेक्टर 110 स्थित महर्षि वैदिक परिसर गेट नंबर 8 में 17 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ। महायज्ञ की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने की। उनके सानिध्य में समस्त कार्यक्रम संचालित हुए। महायज्ञ में देश भर से आए आचार्य विद्वान प्रकांड पंडितों और पुरोहित गणों ने विधि विधान से समस्त धार्मिक गतिविधियां संचालित कराई। महायज्ञ में उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के कई मंत्रियों, देश के शीर्ष नेताओं सहित दिल्ली NCR और आसपास के शहरों के हजारों लोग सम्मिलित हुए। हमीरपुर जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में यातायात माह के 30 दिन पूरे होने के बाद समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में विद्यालयों से आए हुए छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस अधीक्षक ने यातायात कार्यक्रम में आए हुए बाइक चालकों को हेलमेट देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। जिलाधिकारी ने आए हुए लोगों को ट्रैफिक के बारे में जानकारी देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। 1 नवम्बर से यातायात माह की शुरुआत हुई थी, आज उसका समापन हुआ। इस पूरे माह में हम लोगों को जागरूक करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि ये नियम उनके जीवन के लिए कितना आवश्यक है, यह उनके लिए कितना उपयोगी है, यह बताने की पूरे माह कोशिश की गई। लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को प्रशिक्षित किया गया, साथ ही जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे उनका चालान किया गया और आज इसका समापन हुआ, जिसमें यहाँ हमारे बुंदेलखंडी कलाकारों ने समा बांध दिया अपने लोक प्रस्तुति द्वारा। साथ ही बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, रंगोली भी बनाई, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें पुरस्कार वितरण हुआ, आदि कार्यक्रम किए गए और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे। सर, कितने लोगों को हेलमेट बांटा गया? 25 लोगों को आज हेलमेट भी इस अवसर पर वितरित किया गया। अपने एक दिवसीय बहरेज दौरे पर बहरेज पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर आंदोलन के नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए जिन विभूतियों ने इसके लिए संघर्ष किए हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आज हिंदू रक्षा निधि कार्यक्रम के तहत जिले के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए प्रवीण तोगड़िया बहराइच पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बहराइच पहुंचकर उन्होंने प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत रत्न देना चाहिए प्रवीण जी, आप और जो सरकार ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है, वह सरकार हिंदू गौरव का सम्मान नहीं करते हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी मेरी मांग है कि राम मंदिर बनाने के लिए लाखों कार सेवक मरने के लिए आए थे, उनमें से कुछ लोग बलिदान हो गए, तो राम मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के पहले बलिदान हुए कार सेवकों की स्मृति खड़ी करनी चाहिए, ताकि राम के दर्शन करने के पहले ये बलिदान हुए राम भक्तों का दर्शन करें। सोमनाथ मंदिर में ये सरदार पटेल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत बड़ा बलिदान देने वाले एक वीर हमीर सिंह थे। आज भी सोमनाथ में जाओगे तो राइट साइड में चाबी ऊपर है, पहले वीर हमीर सिंह का स्थान है। कोई भी व्यक्ति जाने के पहले वीर हमीर सिंह का दर्शन करता है, फिर सोमनाथ भगवान का दर्शन करता है। तो बलिदान हुए कार सेवक का राम मंदिर के प्रांगण में ही स्मृति होनी चाहिए। जो समाज वीरों का और बलिदानियों का सम्मान करता है, वहाँ बलिदानियों की परंपरा अखंड रहकर समाज विजेता बनता है। बाराबंकी में कार एक्सेसरीज की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। घटना बाराबंकी में नगर कोतवाली के सामने स्थित कार एक्सेसरीज दुकान की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।